महाभारत का तीसरा कारण, महाभारत का तीसरा कारण है भीष्म पितामह की चुप्पी। जब यहां अधर्म हो रहा था, द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, तो क्यों नहीं पितामह ने बोला? यदि बोल देते, एक बाण लेकर दुशासन को मार ही देते, तो महाभारत ना होता। बोलो हां। तो जब अत्याचार हो समाज पर और आपके अंदर पावर हो, तो या तो उसे रोको या तो वहां बैठे तमाशा मत देखो। पर पितामह ने ना रोका और ना वहां से गए तमाशा देखा। इसलिए बड़ों की गलती से महाभारत होता है। जब पितामह भीष्म जैसे लोग चुप्पी साधे बैठेंगे और द्रौपदी के खींचते हुए चीर को देखेंगे, तो महाभारत तो होगा। महाभारत की चौथी वजह क्या थी? महाभारत की चौथी वजह क्या थी? महाभारत की चौथी वजह थी एक नारी का अपमान। द्रौपदी का अपमान ना होता तो महाभारत ना होता। बोलो हां। महाभारत का पांचवा कारण था जुआ। जुआ ना होता तो महाभारत ना होता। महाभारत का छठवां कारण है गांधारी। गांधारी मां है, और जब तुम्हारी औलाद गलत करती है तो जिम्मेदार मां भी होती है। गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी तो है, माता गांधारी को पट्टी उतारना आता है, पर कब उतारी? आखिरी में, जब केवल दुर्योधन बचा। कल आ जाना तू सारे कपड़े उतार के, मैं तुझे देखूंगी, तू वज्र का हो जाएगा। आया दुर्योधन निर्वस्त्र होकर, देखा भी, पर जांघ को ढकवा दिया था भगवान ने, कुछ तो ढक। कथा आप सब जानते हैं। क्या समझ में आया? द्रौपदी गांधारी ने आंखों की पट्टी दुर्योधन को बचाने उतारी। काश गांधारी ने आंखों की पट्टी द्रौपदी की लाज बचाने उतारी होती, तो ये महाभारत ही ना होता। तो छठवीं गलती गांधारी की, क्यों नहीं रोका अपनी औलाद को जब वो गलत कर रहे थे? कहां थी आप? अपने बेटे को बचाने पट्टी उतारे? हाँ हाँ, मैं पट्टी हटाऊंगी, आना। द्रौपदी को बचाने नहीं हटा सकी आप?